हेलो गाइस, माय नेम इज आर के यादव। अपना डेटा एडवांस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में चेंज ग्रुप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले वह एमएस वर्ड ओपन करेंगे, उसके लिए कीबोर्ड पे विंडो आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे विन वर्ड, WIN WORD। ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। ये हमारा रिव्यू टैब है, इसके अंदर ये चेंज ग्रुप है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ये हमारे चार कमांड हैं। इन चार कमांड के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू RAND शिफ्ट एक्स ब्रैकेट ओपन, हम 5 लाइन का पैराग्राफ आंसर करेंगे। शिफ्ट एक्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको, जिन लोगों ने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, तभी ये समझ में आएगा। अंता ये समझ में नहीं आएगा जो हमने ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में बताया था कल। पहले हम इसको ट्रैक चेंज को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, इसको हमने सिलेक्ट किया और ये हमारा हाईलाइट हो गया है। अब हम टैब को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको डिलीट करेंगे, ये हमारा डिलीट हो गया है। इसी तरह बुक्स को हम एस डिलीट करेंगे। अब हम जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो इधर हमारा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम डालेंगे, MAKE मेक इंजीनियर्स जीनियस, या राम किशोर यादव 9087। जो भी हमने इसमें बढ़ाया है वो भी इसमें इधर ये बता रहा है ये। अब हम यू को बोल्ड करेंगे, होम में जाकर के होम टैब में इसको हमने बोल्ड किया। अब हम इसमें हम चॉइस को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इसका कलर हमने रेड दे दिया है। अब हम इस लाइन को हम सिलेक्ट किया और इसको हम डिलीट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्विक को, इसको हम हाईलाइट करेंगे। हम कोई कमेंट देंगे, जैसे हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और हम रिव्यू टैब में जाएंगे। न्यू कमेंट ये लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे फाइल, और हम दूसरी कमेंट देंगे, जैसे हमने होम को सिलेक्ट किया और हमने दूसरी कमेंट दे दी। यहाँ पर हमने होम लिख दिया। हम पहले हम प्रीवियस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पे क्लिक किया तो ये हमारा जो हमने इससे पहले पिछले कमेंट दी थी उस वाले पैराग्राफ पे पहुंच गया है कर्सर। इसकी शॉर्टकट की है प्रीवियस की, ऑल्ट प्लस आर प्लस एफ, ऑल्ट प्लस आर प्लस एफ। तो ये हमारा जो हमने क्विक को
हाईलाइट किया था, वहां पर कर्सर पहुंच गया है। फिर से करेंगे ऑल्ट प्लस आर प्लस एफ। अब ये हमने जो ट्रीट किया है लाइन को, वो ये कर्सर पहुंच गया है। फिर से करेंगे ऑल्ट प्लस आर प्लस एफ, तो हमने चॉइस को कलर जो दिया था रेड, वहां पर कर्सर पहुंच गया है। मास्क से भी हम कर सकते हैं, मास्क से करेंगे हम, मास्क पर क्लिक से हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे, तो ये यू पर, ये हमारा बोल्ड पर बोल्ड बता रहा है, ये बोल्ड किया है। अब हम फिर से करेंगे प्रीवियस, तो हमने जो अपने चैनल का नाम डाला है, फिर से हम प्रीवियस करेंगे, तो हमने एस को डिलीट किया है। फिर से हम प्रीवियस करेंगे, तो ये टैब को हमने डिलीट किया है, बता रहा है कर्सर पहुंच गया है। फिर से हम प्रीवियस करेंगे, तो ये बोल रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड हो गया है, ओके करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे हमने जैसे क्लिक करेंगे, अब ये बोल रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। सर्च करेंगे अब हम, टैब पर कैसे पहुंच गया हमारा, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस एच। हम शॉर्टकट इसे बताएंगे ऑल्ट प्लस आर प्लस एच, अभी हमारा एच को डिलीट किया है, वहां पर कैसे पहुंच गया है। फिर से करेंगे ऑल्ट प्लस आर प्लस एच, नेक्स्ट। फिर से नेक्स्ट करेंगे, ये नेक्स्ट पे कैसा पहुंच रहा है और प्लस आर प्लस एच कही हमने, अभी हमने डिलीट किया है, वहां पर पहुंच गया कर्सर। हम मास्क करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमने दूसरा कमेंट दिया था, वहां पहुंच गया है कर्सर। हम ये बोल रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बीइंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, ओके करेंगे। अगला ऑप्शन हमारा इसी में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव द, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ये जो टैब है हमें इसको रखना है या डिलीट करना है, अगर हम मूव कर देंगे तो ये यहां से हट जाएगा, अगर हमें इसको रखना है तो हम इस रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन है रिजेक्ट एंड मूव द नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट लिखा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे ये टैब, ये हमारा यहां से हो रहा है। इसी तरह इसकी शॉर्टकट की है, रिजेक्ट एंड की इसकी शॉर्टकट की है, इसकी रिजेक्ट एंड मूव नोट की ऑल्ट प्लस आर प्लस जे प्लस एम, ऑल्ट प्लस आर जे प्लस एम, एस जो हमारा कर्सर रखा था वो वहां से कर्सर नीचे पहुंच गया है। इसी तरह एक्सेप्ट की शॉर्ट एंड मूव टू नेक्स्ट की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस ए प्लस एम, ऑल्ट के साथ आर प्लस ए प्लस एम, ये जो हमारा कलर चेंज था वो कलर हट गया है यहां से। अगला ऐसी में ऑप्शन एक्सेप्ट चेंज, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस ए प्लस सी, तो ये जो हमारा जो कलर लगा है वो हमारा हट जाएगा, ऑल्ट प्लस आर
आर ए सी अगला है इसमें एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, ये जो हमारे फॉर्मेट वगैरह लगे हुए थे वो सारे यहां से हट जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस ए प्लस डी, हम शॉर्टकट इसे बताएंगे ऑल्ट प्लस आर ए प्लस डी, तो ये हमारे सारे यहां से हट गए हैं। इसी तरह रिएक्ट, रिएक्ट के बारे में बताएंगे, रिएक्ट ये हम बता चुके हैं। और ये है रिएक्ट चेंज की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस जे प्लस आर, इस पे हम क्लिक करेंगे या मास्टर क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्लस आर जे प्लस आर, तो ये हमारा जो कमेंट यहाँ पर जो कर्सर शो हो रहा था कमेंट जो यू का वो यहाँ से हट गया है। और ये जो बोल्ड था अब ये सिंपल में हो गया है, बोल्ड नहीं है अब। अगला है इसी में ऑप्शन रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर प्लस जे प्लस डी, ऑल्ट के साथ आर जे प्लस डी, तो ये हमारा यहां से सारे जो लगे हुए थे वो सारे हट चुके हैं जो भी हमने चेंजिंग की थी, और कमेंट हमारे ये शो हो रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।